नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगी वीकेबी न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में फिर होगा 26/11 जैसा अटैक, विदेश से आया धमकी भरा फोन। मुंबई में दहीहांडी के दौरान 116 गोविंदा घायल, पूर्व महापौर किशोरी पेड़नेकर घायलों से मिलने पहुंचे अस्पताल। और नागपुर के बड़कस चौक में हुआ दहीहांडी का आयोजन, नितिन गडकरी भी रहे उपस्थित। अब खबरें विस्तार से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया, जिसमें कहा गया कि मुंबई में 26/11 जैसा एक दूसरा हमला होगा। ये फोन विदेश से आया। इसके साथ ही व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश भी मिले हैं। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को एक धमकी भरा मैसेज मिला है। धमकी देने वाले ने ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर बताया कि 26/11 जैसा हमला किए जाने की संभावना है। कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी नंबर से धमकी की जानकारी दी गई। मैसेज करने वाले ने बताया कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखेगा और धमाका मुंबई में होगा। धमकी में कहा गया है कि 6 लोग हैं भारत में जो इस काम को अंजाम देंगे। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। गोरेवाड़ा से सटे हुए दाभा परिसर में अब तेंदुए का देखा जाना आम सी बात हो गई है। स्थानीय नागरिक भी अब यह कहने लगे हैं कि दाभा के लिए तेंदुआ वन्यजीव नहीं है, पालतू जानवर हो गया है। लोग कह रहे हैं कि लगता है जैसे गोरेवाड़ा के आरक्षित जंगल में तेंदुए का मन नहीं लगता है तो वह घूमने के लिए दाभा का रुख लेता है। ऐसा बार बार होने पर भी वन्य विभाग इसका स्थायी उपाय नहीं खोज पाने से स्थानीय लोग बेहद खफा है। आइए आपको भी दिखाते हैं तेंदुए का परिसर में विचरण। कल राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने नागपुर में बाढ़ से हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक ली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक राजू पारवे ने अपना मत व्यक्त किया। आज जो बैठक यहाँ कृषि मंत्री ने ली, एक्चुअली जिस पद्धति से नागपुर जिले में नुकसान हुआ है, हमारी मांगनी थी कि नागपुर जिला ओला दुष्काल जाहिर करे। खाली नदी नाले और उसी को लग के खाली जमीन है, उसका ही पंचनामा हो चुका है। जो सर्वसामान्य काश्तकार है, 100% नुकसान इस ज़िले में हो चुका है। ये पूरा का पूरा नुकसान घोषित करके अभी तक के जो पंचनामे हुए हैं वो समाधान कारक नहीं है। खाली नदी नाले को लग के ही काश्तकार का नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। जिस सपाट जमीन में पूरा नुकसान हो चुका है, जिसका सोयाबीन है उस सोयाबीन को अभी फल्ली लगने वाली नहीं है, जो कपास है उस कपास को बोंड लगने वाले नहीं, तो ये सारे ऐसे हालात में शासन ने, सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने पूरा का पूरा जिला अति दुष्काळग्रस्त घोषित होना चाहिए और हमारे काश्तकार को जल्द से जल्द उसकी मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। मुंबई दहीहांडी महोत्सव कोरोना वायरस के प्रसार के कारण 2 साल से नहीं मनाया गया। इस साल कोरोना वायरस का प्रसार कम होने से दहीहांडी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कल यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महोत्सव को लेकर गोविंदा की टीमों ने खासा उत्साह दिखाया। इस उत्सव के दौरान बीती रात 12 बजे तक 116 गोविंदा घायल होने की जानकारी मिली। इस समय मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेड़नेकर ने KEM अस्पताल जाकर घायल गोविंदा के बारे में पूछताछ की और डॉक्टरों को निर्देश दिए। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का स्वागत। भारतीय रेल आरक्षण के अंतर्गत तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा योजना लागू कर कई गुना महंगी बेचे जाने वाली इन टिकटों की कार्यप्रणाली तथा योजना की वैधता को चुनौती देते हुए अजय माहेश्वरी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अतुल चांदूरकर और न्यायाधीश उर्मिला फाल्के ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अजय महेश्वरी ने स्वयं पारवी याचिका में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर से वर्धा स्लीपर क्लास की टिकट का दाम सामान्य तौर पर 205 रुपए का है, लेकिन यही टिकट तत्काल में 425 रुपए तथा प्रीमियम तत्काल कोटा में 980 रुपए में बेची जाती है। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि एक ओर जहां इन टिकटों को महंगे दामों पर बेचा जाता है, वहीं दूसरी ओर योजना के अनुसार टिकट देते समय नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस तरह से आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। देश की किसी व्यक्ति को अत्यावश्यक कार्य से तुरंत कहीं जाना पड़े तो उसे सुविधा देने के लिए तत्काल टिकट की योजना लाई थी। शीघ्र प्रभाव से यात्रा की जरूरत पड़ने पर बेवजह दलालों के चंगुल में फंसकर जनता को कहीं अधिक दाम चुकाना पड़े, यही उद्देश्य इस तत्काल टिकट के पीछे होने का खुलासा रेल मंत्रालय और रेल विभाग की ओर से कई बार किया गया। 30% टिकट पहले ही बुक रहती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वास्तविक रूप में भारतीय रेलवे की ओर से न केवल शॉर्ट नोटिस पर यात्रा करने वाले लोगों को बल्कि सामान्य तौर पर यात्रा करने वाले लोगों को भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल का टिकट उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे द्वारा पहले ही 30% टिकट इस तत्काल योजना के तहत बुक कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई यात्री काफी दिनों पहले ही टिकट खरीद लेता है, जिसे शॉर्ट नोटिस की यात्रा नहीं मानी जा सकती। ऐसे यात्री को कई बार वेटिंग का टिकट मिलता है, में इन्हीं यात्रियों को तत्काल के नाम पर सीट उपलब्ध कराई जाती है। रेलवे द्वारा खुले तौर पर ऊंचे दामों पर और प्रीमियम तत्काल के नाम पर बुक की गई टिकटों को बेचा जाता है। इस तरह से योजना के नाम पर खेल चल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महल के बड़कस चौक में दही हंडी का आयोजन किया गया। कल रात हुए इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शिरकत की। कृष्ण का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा है और उनके जीवन का सार खुद के जीवन का एक भाग है। आज के युवाओं ने ऐसा बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। भगवान श्री कृष्णांनी ज्याप्रमाणे राक्षसांचा वध केला, तसा येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या अपप्रवृत्ती ज्या असतील, समाजातल्या वाईट गोष्टी ज्या असतील, त्या सगळ्यांना पराभूत करून आपण भगवान श्रीकृष्णाचा आदर्श समोर ठेवून आपण पूर्णपणे यशस्वी होऊ, याबद्दल आपल्या सगळ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे कि आपण मोठ्या उत्साहात हा सण आज साजरा करत आहात। खरोखर ही खूप आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे। या भगवान श्रीकृष्णाचं स्मरण करून जन्माष्टमीच्या या पवित्र दिवशी
मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभकामना आणि शुभेच्छा देतो. धन्यवाद, नमस्कार. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने सत्र 2022 से CSE व ESE विभाग द्वारा BTEC के तहत 4 नई शाखाओं की शुरुआत की है. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस व मानवीय संगणक संवाद, गेमिंग व इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समावेश है. 5 वर्ष के भीतर संस्था ने अपने खुद के कैंपस में कार्य शुरू कर दिया है. संस्था PhD भी करा रही है. बैचलर और डायरेक्ट प्रोग्राम के लिए देश भर के छात्रों का आकर्षण बना हुआ है. संस्था उद्योग के बाह्य उम्मीदवार, उद्योगों के इंटर प्रयोजित उम्मीदवार, शैक्षणिक संस्था के स्वयं वित्त पोषित बाह्य उम्मीदवार, शैक्षणिक संस्थाओं प्रयोजित उम्मीदवार, स्व प्रयोजित उम्मीदवार और रिटर्न बाह्य निधि या प्रयोजित प्रोजेक्ट स्टाफ उम्मीदवारों को संगणक विज्ञान और अभियांत्रिकी सहित इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी विभाग में PhD प्रदान करती है. इस बैच में प्रवेश के लिए आयोजित कार्यक्रम में संचालक प्राचार्य OG काकड़े, प्राचार्य अश्विन कोठारी, सहयोगी डीन डॉक्टर मयूर पराते, PhD समन्वयक डॉक्टर मयूरी दिगलवार व डॉक्टर रश्मि पांडे उपस्थित थे. संस्था में PhD के लिए कुल 83 उम्मीदवार पंजीकृत है. 47 ESE विभाग के हैं. तो विकीवी न्यूज की हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए विकीवी न्यूज. नमस्कार.